वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, यूपी त्रिपल एससी पीटी के लिए रिवीजन सीरीज चल रही है। हिंदी विषय के 2 टॉपिक कंप्लीट किए थे हमने। पिछले वीडियो में संधि देखी थी और संधि के अंतर्गत भी स्वर संधि देखी थी। स्वर संधि के विभिन्न भाग देखे थे, दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि, गुण, यण और अयादि। सभी को एक एक करके सभी के नियम और उदाहरण हमने देखे थे। आज देखेंगे व्यंजन संधि। संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। स्वर संधि हमने कंप्लीट कर ली थी, अब आज देखेंगे व्यंजन संधि और इसके बाद पढ़ेंगे विसर्ग संधि। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप इसके लिए हमारे पेड बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं और उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नंबर दिए गए हैं, उन पर आप कॉल कर जानकारी ले सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करेंगे और उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। स्पेशली यूपी ट्रिपल एससी पीटी के लिए बनाया गया है और इसमें डेली क्विज लगवाए जाते हैं जो कि प्रैक्टिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज से बहुत ही कम समय बचा हुआ है आपके एग्ज़ाम के लिए और अगर अच्छा स्कोर आप करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस उस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है, तो उसका लाभ जरूर लें। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं, देखेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन से के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब किसी व्यंजन से स्वर मिलेगा या फिर व्यंजन से व्यंजन मिलेगा तो जो विकार होगा या फिर जो परिवर्तन होगा उसको व्यंजन संधि कहते हैं। संधि का तो अर्थ ही होता है ना परिवर्तन या फिर विकार। जब दो वर्ण मिलते हैं उनके मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। तो यहाँ पर बात होगी व्यंजन में या तो स्वर मिल जाए या फिर व्यंजन मिल जाए, बनेगा क्या व्यंजन। नियम देखेंगे, यदि मा वर्ण के बाद का से मा तक का कोई वर्ण आता है तो उसे मा के अनुस्वार अथवा वाद वाले वर्ग का 5वां वर्ण होगा। अभी वर्ण क्या है, का ख ग घ ण, का ख ग घ, का ख ग घ ण, ये 5वां, 1 2 3 4 और 5। अब ऐसे पा फ व भ म, ता थ द ध न, चाचा जाझाना, तो ये वर्ण होते हैं और इन वर्णों का क्रम होता है। जैसे का वर्ग, पा वर्ग, चा वर्ग, का के बाद चा आता है, चा के बाद ता आता है, ता वर्ग आता है, ता था दाधा ना, चाचा जाझाना, पापा बाबा माँ, तो इस तरीके से ये वर्णों का क्रम होता है। तो जब ये वर्ण होते हैं जैसे कि माँ वर्ण के बाद का से माँ तक का कोई वर्ण आ जाए, माँ वर्ण के बाद का से माँ तक का कोई वर्ण, तो कोई भी वर्ण आ सकता है। का ख ग घणा, खा, का से लेकर का ख ग घणा, चा छ झ झणा, ता थ द धना, पा फ ब भ म, तो ये सारे जो वर्ण हैं अगर ये आ जाएं तो अनुस्वार अथवा बाद वाले वर्ग का, तो उसके बाद जो वर्ग आता है उसका 5वां वर्ण हो जाता है। और अगला नियम है, यदि माँ वर्ण के बाद का से माँ तक कोई वर्ण हो तो माँ का अनुस्वार अथवा बाद वाले वर्ग का 5वां वर्ण हो जाता है। उदाहरण देखेंगे तो समझ आ जाएगा, सम धन कल्प, संकल्प या फिर संकल्प। अब यहाँ पर माँ है, माँ के बाद का आया, तो का का 5वां अक्षर क्या है, का वर्ण का 5वां अक्षर अभी मैंने आपको बताया, का ख ग घ और ण, ये 5वां अक्षर है, तो ण बन गया यहाँ पर सम धन गत संगत। ठीक है, यहाँ पर भी सम धन गत संगत, यहाँ पर गा वर्ण है तो इसका भी अंतिम अक्षर कौन सा है, ना हो जाएगा, समधन पूर्ण संपूर्ण। ठीक है, इसके बाद कंठ, अब यहाँ पर ही आपको वर्ण दे दिए गए हैं। अब वर्णों का भी उच्चारण होता है अलग अलग, आपके जो मुंह के भाग होते हैं, कंठ होता है, ताला भी होता है, जीवा होती है, ओष्ठ होते हैं और दंत होते हैं। आपका गला होता है, गला को कंठ कहते हैं, ताला भी होता है जो तालु होता है, जीभ के ऊपर का भाग ताला भी होता है, जीभ होती है, ओष्ठ यानी कि आपके ओंठ, दंतव्य यानी कि आपके दांतों से टच होकर जिन वर्णों का उच्चारण हो उन्हें बोलते हैं। तो कंठ से कौन कौन से स्वर निकलते हैं, कौन कौन से व्यंजन निकलते हैं, का ख ग घ ण कंठ से निकल रहे हैं, तालव्य से च छ झ झ ण, दंत से त थ द ध न, और ओष्ठ से प फ ब भ म और ए, और मूर्धन्य से ट ठ ढ ढ ण और ड और ढ, ये सारे व्यंजन इस तरीके से होते हैं। अब यदि का चा टा ता पा के बाद ना या फिर मा आए तो का चा टा ता पा अपने वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाएंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि आपको वर्णों का क्रम याद रहे,
कि का वर्ग का पंचम वर्ण ड होता है, च वर्ग का पंचम वर्ण ज होता है, त वर्ग का पंचम वर्ण ना होता है और फ वर्ण का पंचम वर्ण मा होता है। तो इस तरीके के आपके वर्णों के क्रम आपको याद होने चाहिए, तभी आप ये कर पाएंगे। तो वाक धनमय वांगमय हो गया, जगत धनना जगन्नाथ हो गया, क्षण धन मार्ग क्षण मार्ग हो गया, अब यहाँ पर ना आ गया, सट धन मास क्षण मास हो गया, अपधनमय अमय हो गया, पावर्ग है ना पावर्ग पापा बाबा माँ माँ आता है ना पावर्ग के अंत में, पंचम अक्षर माँ होगा तो यहाँ पर माँ हो गया, उत्धन्नति उन्नति हो गया। तो इस तरीके की जैसे कि उत्धन्नति, तावर्ग, तावर्ग का पांचवा वर्ग क्या है, पांचवा वर्ण क्या है ना, तो उन्नति बन गया, ना आ गया यहाँ पर। इसके बाद यही स्वर दिए गए हैं कि कौन से स्वर कहाँ से निकलते हैं। यदि का चा टा ता पा के बाद किसी वर्ग का तृतीय या फिर चतुर्थ वर्ण आए, अब तृतीय वर्ण कौन सा हो गया, का गा हो गया, तालव्य वाले स्वरों में जा हो गया, दंत्य वालों में दा हो गया, ओष्ट वाले व्यंजन में बा हो गया और मूर्धन्य वाले व्यंजन में डा हो गया, तो तृतीय या फिर चतुर्थ वर्ण आए तो या रा लावा या फिर कोई स्वर आए तो काचा टा ता पा के स्थान पर, स्थान में अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। उदाहरण देखेंगे तो समझ आएगा, दिग धन गज दिग्गज हो जाएगा, अब का आया यहाँ पर गा आया तो इसका तीसरा वर्ण हो जाएगा यानी कि गा बन जाएगा, का वर्ग का और गा वर्ग का तीसरा व्यंजन आया तो तीसरा वर्ण बन जाएगा। सत धन वाणी सदवाणी, ता वर्ण का ता था दा धना, तीसरा वर्ण बनना है, इसमें क्या बनना है तीसरा वर्ण बनना है, तो तीसरा माइंड में आप ध्यान रखें। अच धन अंत अजंत, चावर्ण का तीसरा वर्ण कौन सा है जा है, तो यहाँ पर जा बन गया। सट धन दर्शन सड़ दर्शन, बाघ धन जल बाघ जल, बहुत अच्छे से याद रखें बाघ जल, ये उदाहरण बहुत बार पूछा जाता है। अपधन इंधन अविंधन, तत्धन रूप तद्रूप, जगत धन आनंद जगदानंद, दिक धन भ्रम दिक भ्रम। तो इस तरीके से उदाहरण याद रखें, उदाहरण को आपको विशेष तौर पर याद रखना है क्योंकि आपसे अधिकांश सब पूछा ही जाता है कि निम्नलिखित में से व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है, निम्नलिखित में से विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है, तो वहाँ पर बस आपको पहचानना होगा। तो उदाहरण याद रखें तो आपसे सवाल का उत्तर बन जाएगा। इसके बाद अगला नियम है, अगर माँ के सामने का से माँ तक के वर्णों को छोड़कर कोई और व्यंजन आए तो माँ का अनुस्वार हो जाता है। अब माँ का अनुस्वार जैसे कि समधनार संहार, समधनयोग संयोग, समधनबत संबत, ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें हैं। इसके बाद अगला नियम है, यदि ता के सामने का चा जा टा डा दा ला ना में से कोई व्यंजन आए तो ता को उसी व्यंजन में बदल देते हैं। उदाहरण देखेंगे, सत धन चित सचित, सत धन जप सज्जन, बृहद धन टीका बृहद टीका, उद्धन डयन उड्डयन, भगवत धन दर्शन भगवत दर्शन, तत धन लीन तल्लीन, जगत धन नाथ जगन्नाथ, ये अन्य उदाहरण थे। अगला नियम है, ता के साथ यदि शाह हो तो ता का चा और सा का छा हो जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है और सबसे ज़्यादा यहीं से प्रश्न बनता है, किंतु ता के स्थान पर यदि शाह हो तो ता का चा और सा का छा हो जाता है। सत धन शास्त्र सच्छास्त्र, उत धन श्वास उच्छ्वास, ये उदाहरण याद रखें। इसी प्रकार ता के साथ हा हो तो ता का दा और हा का धा बन जाता है, जैसे उत धन हार उद्धार, उत धन हरण उद्धरण, यदि ता के बाद हलन तो सा हो तो उसका लोप हो जाता है, उत धन स्थान उत्थान, यदि पूर्व शब्द में अंत में आ और बड़ा आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तो बाद वाले स्वर का पहला व्यंजन सा से हो तो सा को सा हो जाता है, सा का सा बन जाएगा, कैसे, निधन सिद्ध निषिद्ध बन गया, यहाँ पे सा था सा बन गया, विधन सम विषम बन गया, सुधन सुप्त सुषुप्त बन गया, और हस्व स्वर के बाद छा हो तो छा से पहले चा जुड़ जाता है, जैसे कि परिधन छेद परिच्छेद। तो ये व्यंजन संधि के उदाहरण याद रखें तो इससे आपसे व्यंजन संधि को पहचानना आसान बनेगा। आज देखा व्यंजन संधि, इसके बाद विसर्ग संधि देखेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपनी तैयारी को करते रहें और बहुत अच्छे से पढ़ें, बहुत ही कम समय बचा हुआ है, और तैयारी को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, वहाँ पर डेली आपको 50 क्विज लगवाए जाते हैं जिसमें आपका पैटर्न बिल्कुल ऑफिशियल एग्जाम की तरह होता है और ये क्वेश्चंस मिक्स होते हैं, सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस होते हैं जैसा कि आपका ऑफिशियल पेपर आता है, तो एक साथ सभी विषय की तैयारी हो जाएगी, सभी के क्विज रहते हैं, 5-5, 10-10 क्विज हर सब्जेक्ट से मिलते हैं आपको, तो जरूर से इसको ज्वाइन कर लें, आज ही ज्वाइन कर लें और प्रैक्टिस चालू कर दें क्योंकि आपको स्कोर बहुत अच्छा करना है। और ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए, वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन को, और जुड़े रहें ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।